रात को चोरी हुई है और हमें सुबह 6 बजे सूचना मिली कि दुकान में चोरी हो गया है। हम लोग सारे लोग अनन खनन में आए, यहाँ देखे कि दुकान का शटर टूटा हुआ है और सामान सब गायब है। छः बजे सवेरे फोन से पता चला है, चोर पीछे के रास्ते से आया है, पेड़ पे चढ़ के आया है और पूरा ताला तोड़ के अंदर प्रवेश किया है, फुटेज का हार्ड डिस्क ले गया है, अब कुछ नहीं है। स्टर्लिंग सिल्वर चांदी का आइटम सब था, जो और भी सोना कुछ आइटम सब था वही सब ले गया, गल्ला भी तोड़ रहा है। कैश 50-60 हज़ार रुपये रहा होगा और क्या, अनुमानित है। ये रात को चोरी हुई है और हमें सुबह 6 बजे सूचना मिली कि दुकान में चोरी हो गया है। हम लोग सारे लोग अनन खनन में आए, यहाँ देखे कि दुकान का शटर टूटा हुआ है और सामान सब गायब है। 6 बजे सवेरे फोन से पता चला है, चोर पीछे के रास्ते से आया है, पेड़ पे चढ़ के आया है और पूरा ताला तोड़ के अंदर प्रवेश किया है, फुटेज का हार्ड डिस्क ले गया है, अब कुछ नहीं है। पीछे के रास्ते से पेड़ पे चढ़ के आया, अभी पता तो नहीं चला है, हम भी तो कैसे बताया कि कैसे क्या हुआ, अभी तो हम आए हैं, अभी जो दुख से उबरे भी नहीं है, क्या बताया। पीछे खाया पिया है और उसके बाद ऊपर आया है, उसके बाद अंदर दुकान में सामान सब ले गया है। अंदाज हम क्या लगा, 8-10 लाख रुपए का अनुमानित तो हुआ होगा, ऐसे विशेष तो जानकारी पूरा स्टॉक मिलाने पर ही पता चलेगा। स्टर्लिंग सिल्वर चांदी का आइटम सब था, जो और भी सोना कुछ आइटम सब था वही सब ले गया, गल्ला भी तोड़ रहा है। कैश 50-60 हज़ार रुपये रहा होगा और क्या, अनुमानित है। प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि यहाँ पर रात में चौकीदार दे, थोड़ा निगरानी करे और क्या। मुसहरी थाना क्षेत्र पुलिस प्रशासन आई थी और डॉग स्क्वाड भी आया हुआ था, जांच हुआ है लेकिन कुत्ता से कुछ फायदा नहीं मिला। प्रशासन से क्या उम्मीद है, चोर को पकड़े, हम तो यही कहेंगे। घटना, मेरा नाम दीपक कुमार हुआ, हम मेरा भाई का दुकान है और भाई अभी बाहर गया हुआ है, विशेष आकलन तो उसका आने के बाद ही हो पाएगा। छोटा भाई उदय है, वही रहते हैं, तो अभी कोई हिसाब नहीं बता सकते, संदीप कैसे बता दें। जी दीपक कुमार।